खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां पनवार थाना क्षेत्र के पटियारी में संचालित विद्यालय के छात्रों को ले जा रही मालवाहक पिकअप वाहन की टक्कर बस से हो गई थी, जिसमें एक छात्र की जहां मौत हो गई, वहीं एक दर्जन छात्र घायल है। घटना की जानकारी लगते ही घटना स्थल का निरीक्षण करने एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने विद्यालय के स्टाफ के साथ चर्चा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों को ले जाने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी के साथ साथ छात्रों से चर्चा की है। इस दौरान कलेक्टर और एडीजी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। आइए सुनाते अधिकारियों ने क्या कहा है। बाकी जो घायल बच्चे हैं उनको जवाहर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 5 बच्चों को रेफर किया गया है, तो संजय गांधी अस्पताल पहुँच रहे हैं। वहाँ भी पूरी व्यवस्था बना दी गई है ताकि पहुँचते ही उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया। सर, इसमें लापरवाही किस चीज़? निश्चित रूप से एक तो एक्सीडेंट का इशू है, तो हम लोग जो बस का और जो ये वाहन जिसमें बच्चे आ रहे थे उनके इशूज को भी हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें किसकी गलती है। और स्कूल के संचालक की जो जानकारी मिली है कि परिवहन की व्यवस्था भी वही देख रहे थे, तो उसमें जो गलतियां हैं तो स्कूल के ऊपर भी और उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उन सभी के ऊपर कार्रवाई की। सर, जैसे तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राइवेट विद्यालय खुली हुई है और उनकी मान्यता भी नहीं है, फिर भी संचालित है, और सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो बसें चल रही हैं वो सब अनफिनिश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप में ही और ऑटो में ढोते हैं, इनमें क्या कार्रवाई होगी सर? इन सभी को हम लोग विस्तार से इसकी जांच कराएंगे और जहां भी अनियमितता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जितने भी स्कूल बसें संचालित हो रहे थे उन सभी की हम लोगों ने फिटनेस और उनकी जांच कराई थी पिछले दिनों, और जो ये अनऑथराइज्ड गाड़ियों से कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे थाना वाइज और उनके ऊपर कार्रवाई की। सर, एक और प्रकरण, RTO महोदय इस समय लगातार 1 महीने से आ रहे हैं और यहीं पर रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके द्वारा। जो स्कूल के बसेज हैं उनके फिटनेस और उन पर कार्रवाइयाँ की गई है, जो आपने अभी बताया है कि उसमें जो है अभी 5 तो रेफर हो चुके हैं। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस प्रशासन किनको दोष, किनके ऊपर दोष? केस दर्ज करेंगे जो बच्ची थी उसमें गाड़ी में बैठी थी वो बता रही थी, 4-5-10 लोग आगे बैठे थे, 40-30 कम से कम पीछे बैठे थे। स्कूल की जितनी भी गाड़ियां ने भूसे की भात भरते एकदम भूसे जैसे उसी के अंदर। अभी ना हम लोगों ने 2 महीने पहले सारे ड्राइवर का आई चेकअप कराया है, स्कूल के ड्राइवर का, सारे ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया है और उनके संग में 1 घंटा बिता के उनको बच्चे से स्कूल बस वालों का। अब ये आ गई आपकी क्या मैजिक, वो भी मॉडिफाइड, क्या नाम है, वो भी मतलब क्या बोलेंगे तो मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से बनाना, सीट अकॉर्डिंग जो भी मोटर व्हीकल संघ हुए हैं हमारे सारा है वो भी सब उसमें बढ़ेंगे हमारे, ठीक है ना। हमने इस पर काम किया जो वो है और नई मतलब की बसें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 5-7 बसें हैं जो अनपरमिट चल रही है, मतलब हर स्कूल में सिर्फ ऑटो चला रहे हैं, जो बसें कंडक्ट हो जाती हैं वो स्कूलों में लग जाती हैं। कुछ आपके पास ऐसी सूचनाएं तो पॉइंटेड हो, अनऑफिशियली भी आप PI साहब को आप दे दीजिए, थाना प्रभारी को आप दे दीजिए, हम साथ तक पहुंचा देंगे, अनऑफिशियली दे दीजिए। ये स्कूल और इससे अटैच्ड ये गाड़ी, गाड़ियों के नाम नंबर सर नाम से भी देंगे। हाँ, उसमें नहीं आपको नहीं, बच्चे हमारे ही पढ़ते हैं, उससे क्या होगा कि हर गाड़ियों पे हर स्कूलों पे कार्रवाई हो जाएगी, पहले वेरीफाई हो जाएगा, अगर कार्रवाई के लायक है तो कार्रवाई। ऑन द स्पॉट पर जो बच्ची थी उसमें गाड़ी में बैठी थी वो बता रही थी, 4-5-10 लोग आगे बैठे थे, 40-30 कम से कम पीछे बैठे थे। स्कूल की जितनी भी गाड़ियां ने भूसे की भात भरते एकदम भूसे जैसे उसी के अंदर। अभी ना हम लोगों ने 2 महीने पहले सारे ड्राइवर का आई चेकअप कराया है, स्कूल के ड्राइवर का, सारे ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया है और उनके संग में 1 घंटा बिता के उनको बच्चे से स्कूल बस वालों का। अब ये आ गई आपकी क्या मैजिक, वो भी मॉडिफाइड, क्या नाम है, वो भी मतलब क्या बोलेंगे तो मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से बनाना, सीट अकॉर्डिंग जो भी मोटर व्हीकल संघ हुए हैं हमारे सारा है वो भी सब उसमें बढ़ेंगे हमारे,
हम लोग इस पर काम किया जो वो है और ना ही कब की बसें बने हैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 5-7 बसें हैं जो अनपरमिट चल रही है, मतलब हर स्कूल में सिर्फ ऑटो चला रहे हैं, जो बसें कंडक्ट हो जाती हैं वो स्कूलों में लग जाती हैं। कुछ आपके पास ऐसी सूचनाएं तो पॉइंटेड हो, अनऑफिशियली भी आप टीआई साहब को थाना प्रभारी को आप दे दीजिए, हम साहब तक पहुंचा देंगे, अनऑफिशियली दे दीजिए, आप लोगों का नाम नहीं चाहिए। ये स्कूल और इससे अटैच ये गाड़ी, उन गाड़ियों के नाम नंबर नाम से भी देंगे। हाँ उसमें कहा नहीं आपको नहीं, बच्चे हमारे ही पढ़ते हैं इसी में, उससे क्या होगा कि हर गाड़ियों पे हर स्कूलों पे कार्रवाई हो जाएगी, पहले वेरीफाई हो जाएगा, अगर कार्रवाई के लायक है तो कार्रवाई।